إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا हर तरह की तारीफ उस वहदहु ला शरीक अहकमुल हाकमीन के लिए लायक व सजावार है जिसके हाथ में सारी जहान की बादशाहत व इख्तदार है और दुरूद व सलाम नाजिल हो जुमला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर खुसूसन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आल मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आल मोहम्मद كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں نوجوان ساتھیوں بردہ نشیں ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں فتنوں سے متعلق چند مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین گزشتہ دو ہفتوں سے فتنوں سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں بڑی تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں فتنہ کیا ہے فتنہ کے اسباب کیا ہے
फितना किन वजूहात की बुनियाद पर किया जाता है? जो इंसान फितना में पड़ जाता उसका अंजाम क्या है, और जो फितनों से अपने आप को बचा लेता है उसके लिए भलाई कैसी है? अलावा आदि इंसानी फितना भी होता है, शैतानी फितना भी होता है, इनफरादी फितना होता है, इज्तिमाई फितना होता है, कभी माशी फितना होता है, कभी मईशती फितना होता है, कभी इक्तिसादी फितना होता है, कभी आहिली और खानदानी फितना होता है, कभी बेटा बेटी फितने की शक्ल में रूनमा होती है, कभी बीवी और शोहर के दरमियान इख्तलाफी फितना होता है। तो मुख्तलिफ किस्म की फितने हैं, हर एक फितने के अलग अलग असबाब वजूहात भी हैं। उन फितनों के मुख्तलिफ शक्लों में से दो फितनों की जानिब आज आपके दरमियान कुछ बातें आई हैं। एक फितना शुबहात का है और दूसरा फितना शहवात का है। सुनने में अक्सर बराबर लगता है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। शुबहात का फितना और शहवात का फितना। शुबहात शीन बा हा अलिफ ता, शुबहात इसको उर्दू हम लोग बोलते हैं शुबा, शक्को शुबा, उसी शुबा की जमा है शुबहात। दूसरा है शहवात, शीन हा वा अलिफ ता, शहवात उसकी वाहिद है शहवत, शहवत तो ख्वाहिश जिसे हम बोलते हैं, उसी शहवत की जमा है शहवात। तो इंसान कभी शुबहात के फितनों से दो चार होता है, कभी शहवात के फितनों के अंदर मुब्तला होता है। शहवात का फितना क्या है और शुबहात का फितना क्या है? शुबहात से मुतालिक ये बात याद रखिए, कुरान में कम से कम दो अंदाज की आयतें हैं। एक है आयतें मुहकमात और दूसरी आयतें हैं आयतें मुतशाबिहात। मुहकमात का माना जिसका माना मतलब बिल्कुल जाहिर हो, वो आयतें जिसके माना समझने में दुश्वारी या तंगी या परेशानी ना हो वो आयतें मुहकमात हैं। और कुरान मजीद में कहा हुन्ना उम्मुल किताब, असल किताब यही है। अलबत्ता कुरान की आयतों की दूसरी किस्म है मुतशाबिहात, वही शीन बा है, शुबा से मुतशाबि है। अम्मल लदीन फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊन मा तशाबह, तो जिस इंसान का दिल टेढ़ा होता है, जिसके दिल में कजी होती है, वो इंसान इसी किस्म की शुबहात वाली या मुतशाबि आयतों में पड़ जाता है। कुरान का इब्तिगा अल-फितना वब्तिगा ताबील, वो फितना फैलाने के लिए और गलत तफसीर और ताबीर करने के लिए। तो शुबहात का फितना है किसी चीज में शक को शुबा डाल दिया जाए, इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाए, दूसरों को भी कंफ्यूज कर दे। जमने जमाने की बात ना हो बल्कि वो इंसान नहर के किनारे ऐसा लगता है बस गिरने ही वाला है, वो डमाडोल है, ढुलमुल यकीनी की कैफियत है, असली यकीन की कैफियत नहीं। ये फितना कभी दीनदारी के ताल्लुक से आता है, कभी दुनियादारी के ताल्लुक से आता है, चाहे जो भी हो बड़ा खतरनाक है। दूसरा फितना है शहवाद का, ख्वाहिशात नफसानी के पीछे चलने का। इंसान की चंद चीजों में ख्वाहिशात लगी रहती है। कुरान का ज़ुय्यिना लिन्नाज़ुहुब्बुश्शहवात मिनन्निसा वल्बनीन वल्कनातीरिल मुकंतरा मिनज़्ज़म वल्फिज़्ज़ा वल्खैरिल मुसव्वमा वल्अनाम वल्हर्स ज़ालिक मताउल हयात अद्दुनिया
वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। इंसान के सामने मुसय्यन कर दिया गया, आरास्ता पैरास्ता कर दिया गया, खुशनुमा बना के पेश किया गया। क्या मिन निसा औरतें जुय्यन लिन्नास शबाब मिन निसा वल बनीन औलाद को वल कनातीर मुकंतरा मिन सहब वल बिस्फिजा सोने चांदी के ढेर को वल अनाम चौपाए जानवर को वल हर्स खेती बाड़ी को। इन चीजों का तस्करा करते हुए कुरान ने कहा ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, ये सब के सब दुनियावी जिंदगी के फायदा उठाने की चीज है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब और अल्लाह के नजदीक तो बेहतरीन अंजाम मौजूद है। औरतों का फितना, वो चाहे बीवी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, माँ खाला की शक्ल में हो या पराई शक्ल में हो, एक फितना खतरनाक है। दूसरा वलबनी औलाद का फितना, इससे पहले बात आ चुकी है कि तुम्हारी बाज बीवियां और तुम्हारी बाज औलाद तुम्हारे लिए फितना है। सारी बीवी फितना नहीं है और सारे औलाद फितना नहीं। इसी तरह यह बात भी आपके सामने आ चुकी है इन नमाम वालुकुम औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी फितना है और तुम्हारी औलाद भी फितना है। फितना आजमाइश का दरिया जिससे इंसान को आजमाया जाता है, उसका इम्तिहान लिया जाता है। बीवी बच्चों की मोहब्बत में अल्लाह को छोड़ रहा है या अल्लाह की मोहब्बत में बीवी बच्चों से वक्ती तौर से किनारा कशी अख्तियार कर रहा है, तो एक फितना है। शहवाद का फितना, चाहने का फितना, ख्वाहिश का फितना। इंसान चाहता है उसके बाद एक अच्छी लड़की हो, अच्छी बीवी हो जो उसकी जिंदगी की गाड़ी को रवा दवा रख सके, सुकून राहत के वो सांस ले सके, आराम और चैन की जिंदगी गुजार सके। बाहर में काम काज मशगूल होने के नतीजे में जो थकावट हो, जो परेशानी हो, जो दिक्कतें हो, घर पहुंचने के बाद बीवी से मुलाकात करके वो सारी परेशानियां काफूर हो जाए, खत्म हो जाए, एक अच्छी चीज है जिसे सुकून का जरिया कुरान निकले तस्कुन इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। लेकिन वही औरतें कभी कभी फितना का सामान बनती है। एक इंसान तो बाहर परेशान रहता ही है, घर पहुंचने के बाद उसकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। वो मौका महल को देखती नहीं है, फौरन अपनी शिकायतें पेश करना और शौहर के खिलाफ कुछ बातें बयान करना शुरू जब होती है तो बेचारा इसी में आफिस समझता है कि घर से निकल के कहीं बाहर चले जाए, शायद बाहर कुछ सुकून मिल जाए। हुब शहवात, औरतों की मोहब्बत, उसकी चाहत, ये भी एक फितना है। वल बनी औलाद, आपके पास औलाद हो अगर नेक साले है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर साले नहीं है तो आपका दर्द सर बन जाएंगे। बेटा या बेटी दोनों की शक्ल में इंसान वो परेशान होता है कि उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। पैदा होते सिलसिला शुरू होता, जो जो जवानी की दहलीज में कदम रखती है बेटी बतौर खास, तो इंसान परेशानी से ज्यादा दो चार होता है। अगर किसी को अपनी इज्जत व आबरू पसंद है तब, और अगर वैसे ही नंगापन से दो चार होता है उसे कोई परवाह नहीं करता, परवाह नहीं पड़ता उसके बेटा क्या करता है, उसकी बेटी क्या करती है, कोई परवाह नहीं करता। नतीजे के तौर पर जब लुटिया गर्क हो जाता तो सर पटक के इंसान रोता धोता है और किसी आलिम के पास, इमाम साहब के पास और किसी अच्छे इंसान के पास पहुंच के कहता है मेरे लिए दुआ कीजिए, हम बहुत परेशान हैं, मेरा घर का निदाम बिगड़ा हुआ है। जब वो खराबियां आ रही थी तो आपने तवज्जो नहीं दी, जब उसने जर पकड़ लिया और वो आपके हाथ से कंट्रोल से बाहर हो गई, अनकंट्रोल हो गई, उसके बाद शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होता है, वो आपको अपने तरफ माइल करेंगे, झुका देगी, उसी में आपकी आफियत है। अगर ऐसा नहीं करें तो भाग के कहीं रिश्ता नाता कर ले, फिर आप कफे अफसोस मलते रह जाए। लेकिन
औलाद अच्छी भी होती है, वो आपकी कमाई का हिस्सा है, मरने के बाद आपके लिए इसाले सवाब का जरिया है, उनके अच्छे आमाल के सवाब आपके नामे आमाल में दर्ज भी होता है। तो औलाद के जरिए इंसान की आजमाइश होती है, आपकी औलाद सही है या आपकी औलाद गलत है। इसी कुरान ने कहा इन्नमा नब्लुकुम बिश्शर वल खैर फितना, हम तुम्हें खैर के जरिए भी आजमाएंगे और शर के जरिए आजमाएंगे, अच्छाई के जरिए भी आजमाएंगे, बुराई के जरिए आजमाएंगे। और याद रखना वैले इन तुरजाउन, ये दुनिया मामला खत्म नहीं हो जाएगा, सारा मामला मेरे पास लौट के आएगा। क्यों? कि तुम सब किस्म मेरे पास लौट के आओगे। महाराज ज़ुय्यिना लिन्नासि शहवात मिनन निसा वल बनीन, औरतें औरतों के जरिए इंसान को मुजयन करके पेश किया जाता है जो इंसान की ख्वाहिशात है। दूसरी चीज उनकी औलाद भी उनकी निगाह में पसंदीदा चीज है, खराब नहीं है, सही है। सही बात यह है कि वह औलाद भी सही होनी चाहिए। वल कनातीर المقنطرة من الذهب والفضة, उस जमाने में सोना चांदी के सिक्के चलते थे, इस मुनासिबत से कहा गया सोने चांदी का ढेर इंसान के पास हो जाए उसकी चाहत उसकी रगबत ज्यादा होती है। आज सोना चांदी हो ना हो, आपके पास कैश होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, जमीन और जायदाद होने चाहिए, यानी ऐसे इशरत के साजो सामान होने चाहिए। ये इंसान चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है, खूब उसकी मोहब्बत इंसान के दिल में बैठाई गई है। वल खैरिल मुसव्वमा वल अनाम वल हर्स, खैरिल मुसव्वमा निशान जदा घोड़ा, उस जमाने में सवारी के तौर पे बतौर खास घोड़ा इस्तेमाल होता था, और अगर वो चितकबरा हो जाए, रंग बिरंगी हो जाए, जो पहचान वाला हो जाए, दूर से उसकी शनाख्त कर ली जाए, उसकी बड़ी तादी मुतगरी होती थी और उसका नाम लिया जाता है। इसी कहा वल खैरिल मुसव्वमा निशान जदा घोड़ा। आज के दौर में से समझिए आपकी गाड़ी है जिसपे आपके मन पसंद नंबर हुआ करते हैं, आदमी मोबाइल खरीदता है, दूसरा साजो सामान खरीदता है, मोबाइल में नंबर लेना चाहता है, सोचता आखिर में 786 होगा तो बड़ा अच्छा होगा, ये कोई मखसूस नंबर होता है। उसी अंदाज से गाड़ी खरीदता तो सोचता नंबर उसमें हो, फिर गाड़ी की जो किस्में हैं वो आपके सामने है, मुख्तलिफ किस्म के घोड़े हुआ करते थे, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां हुआ करती है, कम कीमत की गाड़ी होती है, बेश कीमत गाड़ियां होती है, तो इंसान की चाहत उसमें ज्यादा होती। क्या कहा हुब्बुश्शहवात मिन निसा वल बनीन वल कनातीर अल मुकंदरा मिन अज़्ज़ाब वल फिज़्ज़ा वल खैर अल मुसव्वमा वल अनाम वल अर्स, निशान जदे घोड़े, अनाम चौपाया, चौपाया किसी के दरवाजे पे होता था, भैंस लगी हुई है, गाय लगी हुई है, ऊंट बधा हुआ है, हाथी बधा हुआ है, उसकी सरदारी का प्रचार होता था। आज भी बहुत सारे लोग गाड़ियों पे चलते कम हैं, लेकिन सजाए कुछ गाड़ियां जरूर रखते हैं, पता चल रहा है कि बड़े अमीर और कबीर इंसान है, इनके पास तो गाड़ियों की अंबार लगी हुई है। तो कहा ये चौपाया जानवर भी इंसान की चाहतों के सामान में से एक सामान है जिसमें इंसान की चाहत लगी रहती। वलहर्स खेती बाड़ी, जिसको खेती बाड़ी का मजा मिल जाता है वो उसी में खुश भी रहते हैं, वो इस जज्बे से अगर काम करता है कि हम गल्लाजात पैदा करते हैं जिससे इंसान की खिदमत होगी, एक बहुत बड़ी बात है। ये अलग सी बात है कि आज के दौर में उनका भी इस्तीसाल किया जाता है, उनकी भी जड़ से काटने की नापाक साजिशें होती है, उन्हीं की कमाई, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं का मुजाहिदा, उन्हीं की तगादों से इंसान शहरों में खाता पीता है, लेकिन उन किसानों की कोई वक्त उनकी निगाह में नहीं होती इल्ला माशाल्लाह। तो कहा ये वो चीजें हैं जो इंसान की मरगूबात है, इनकी पसंदीदा चीजें हैं, इनकी शहवात है, इनकी चाहतों का मरकज है, इन चीजों के तरह से भी इंसान की आजमाइश होती है। देखा जाए कि वह इन्हीं चीजों पर अल्लाह को फरामोश तो नहीं करता है, अपने खालिक को भुला तो नहीं देता है, अपने पैदा करने वालों से रिश्ता नाता जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है, इन तमाम चीजों में उलझने के साथ साथ अल्लाह के हुकूक की अदायगी करता है कि नहीं करता है,
इन चीजों का तस्करा करते हुए कुरान ने क्या कहा, ذلك متاع الحياة الدنيا, ये सब के सब दुनियावी जिंदगी के फायदा उठाने के सामान है। والله عنده حسن المآب, और अल्लाह के नजदीक ही बेहतरीन अंजाम है। यानी अगर कोई इंसान इन चीजों में पूरे तौर से दिल लगाने के बजाय, इन चीजों का इस्तेमाल तो करता है लेकिन बकदर जरूरत करता है, इन चीजों के इस्तेमाल के साथ साथ, इन चीजों के चाहतों के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की चाहत को मद्देनजर रखता है, तो वही इंसान कामयाब होगा। उसे सुरखुरी की दौलत से मालामाल किया जाएगा। दुनिया अगर कुछ किल्फतों में गुजर जाए लेकिन आखिरत में उसकी पधिराई होगी। ये तो वह शहवात, रहा शुबहात का मामला। शुबहात की दो शक्लें होती, वो दीनी शक्ल हो या दुनियावी शक्ल हो। आज उम्मत मुस्लिमा दोनों तरह की फितने से दो चार हैं। खुदा बंदा तेरे ये सादा दिल बंदा किधर जाए, खुदा बंदा तेरे ये सादा दिल बंदा किधर जाए कि दुर्वेशी भी आई आ रही है, सुल्तानी भी आई आ रही, दोनों तरह की मक्कारी नजर आती है। कोई दीन के नाम पर इंसान को गुमराह करता है, कोई दुनिया के नाम पर इंसान बदगुमानियां पैदा करता है। उसे कहते हैं शुबहात, शुबह पैदा कर देना। इससे पहले बात आ चुकी कि आदमी कुरान पढ़ता है, कुरान की उन आयतों में अपना माथा लगाता है, जहनो दिमाग को वही दौड़ाता है जिसकी खोद कुरेद करने से अल्लाह ने मना किया। इंसान को शैतान पट्टी पढ़ाता है, अरे आखिर ये भी तो कुरान की ही आयत है, इसके माना मतलब क्यों नहीं समझा जाएगा। फिर उसके माना मतलब समझने में इंसान अपने औकात को सर्फ करता है, और फिर उसकी ऐसी ताबीर, ऐसी तफसीर, ऐसी तावील करता है कि उलमा सलफ कहीं किनारे पड़े रह जाए, उससे हमें लेना देना नहीं है, हम तो वही समझेंगे जो बज़ाहिर कुरान में लिखा है। बहुत बड़ा फितना है। इस फितना के जरिए से अवामो खवास को दो चार किया गया। अच्छा खासा इंसान, नमाज रोजा का पाबंद, किताब सुन्नत का दाई, वो इंसान जिस किस्म के इंसान नुमा शैतान की फितनों में पड़ता है, वो किनारा कशी अख्तियार करता है, वो नमाज की अलग तफसीर करता है, रोजा की अलग ताबीर करता है, कुरान मुकद्दस का अलग एक्सप्लेनेशन करता है, हदीस रसूल की बदात अलग अंदाज में करता है, वो सारी की सारी चीजें दुनिया में आकर रह जाती है। पता चला कि आखिरत कुछ नहीं है, बाबर बैश के होश की आलम दोबारा नेस्त, बाबर मौज मस्ती की जिंदगी गुजार लो, कौन जानता है कि दोबारा जिंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत से उलमा नुमा पैदा हो गए जो अपना अपना डिपार्टमेंट छोड़ करके कुरान और हदीस में मगजमारी करना शुरू कर दिए, नतीजे के तौर पर गुमराही जन्म ली, और इतने अच्छे अंदाज पेश करते हैं कि आप उनके पेश करने के अंदाज से उनकी तरफ मायल हो जाते हैं। वो इंसान जो बरसा बरस किताब सुन्नत की तालीम और तालुम में जानू तलम मुस्तह किया है, उस पर आपका विश्वास नहीं होता, दो चार किताब पढ़ने के बाद सोशल मीडिया के जरिए से उसकी पधिराई हो जाती, उसके नाम व नमूद हो जाते, उनका तस्करा हो जाता, उनकी तकरीरें सुनी जाती, उनके खिताबात और बयानात की लोगों के सामने आ जाते हैं, तो इंसान समझता क्या है, बड़ी पहुंचे तभी तो इनकी वीडियो ज्यादा सुने जाते हैं, और नतीजा क्या होता, लोग उसी में उलझ के रह गए। कुछ नाम है ऐसे जो छाए हुए हैं मगर है किताब सुन्नत के खिलाफ, आप उनको समझिए। इससे पहले भी कई मर्तबा उसकी विदात की जा चुकी है, ऐसे लोगों से होशियार रहिए। जो इंसान आपको उलमा से दूर करे और ये कह दे कि हम रिजाल व नहनो रिजाल, वो भी आदमी हम भी आदमी, वो कुरान समझ सकते तो हम कुरान क्यों नहीं समझेंगे, वो हदीस समझ सकते तो हम हदीस क्यों नहीं समझेंगे। याद रखिएगा, मनहजे सलफ के मुताबिक अगर कुरान और हदीस की समझ आपको मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि बहुत बड़ी नेमत मिली है, और अगर मनहजे सलफ के खिलाफ किसी किस्म की समझ की बात आपके अंदर पैदा होती है, आप जमाने का लामा कहे जाएंगे लेकिन गुमराही के दलदल से अपने आप को बचा नहीं सकेंगे।
वो कहां ऐंच बेच करते हैं? इंजीनियर अली मिर्जा का नाम आपने सुना है, बड़ी तकरीर उनकी सुनी जाती है, बंद कमरे में अपने शागिर्दों के साथ वीडियोस तैयार करते हैं और अवाम व खवास के सामने पहुंचाते हैं। उलमाए किराम जब उनका मुकाबला होता है तो मुंह की खाना पड़ती है, किसी जगह पर ठहराव नहीं है, लेकिन जो फितना छोड़ते हैं उस फितना के नतीजे में इंसान उससे दो चार होता है और नतीजे के तौर पर तशकीक शुकूक शुबहात से दो चार होने के नतीजे में अपने इमामों से, अपने आलिमों से, अपने सादेदा इकराम से, अपने मुहद्दिसीन से और अपने हाफिदीन हदीस से किनारा कशी अख्तियार करके मनमानी अंदाज में कुरान समझना शुरू करते हैं और हदीस रसूल की बिदात करते हैं। फिर तो ऐसा हुआ कि जो इंसान फजर की नमाज पढ़ता था जमात से, ऐसा नहीं किसी मस्जिद ने नमाज छोड़ दिया, वो किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता है। कहता क्या है, नमाज के अब लोग गलत ताबीर करते हैं, नमाज का मतलब थोड़ी ये होता है कि पांच वक्त में सजदा रेदी कीजिए, नौजबिल्ला हजार बार नौजबिल्ला। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान नहीं समझा था, जिन्हें 50 वक्त की नमाज दी गई उसे पांच वक्त में उसकी हदबंदी कराकर मिल्लत के सामने अमली जामा पहनाया था, अफसोस की बात है। बहरहाल तो दीन का शुभा होता है, दीन के ताल्लुक से भी शुभात पैदा किए जाते हैं, तो दीनदारी के ताल्लुक से भी उलमा से किनारा कशी इख्तियार कराई जाती, और दुनियादारी का फितना तो बड़ा खतरनाक होता है, इंसान के अपने बस में होता है, एक चीज का प्लान तैयार किया जाता है, फिर उस सिलसिले में पूरी साजिशें होती है, इस तरह से किसी से बदनाम कर दिया जाए कि उसके करीबी आदमी ना जाए। आप दीन की खिदमत नहीं करते ना दुनिया अपने आप को बचाते, दुनिया अपनी दुनिया की खैर मनाते हैं, बल्कि ये समझ लीजिए कि दुनिया भी एतबार से भी नुकसान में है और दीनी भी एतबार से नुकसान में। क्यों? कि जो इंसान दीन से फिरता है, दीनदारों से फिरता है, उलमा तबका से अलग होता है और इस तरीके से मुबल्लिगीन से, दाइयों से, मुसलहीन से किनारा कशी इख्तियार करता है, वो अपने आप को कभी भी खैर के रास्ते पर नहीं लगा सकता, बल्कि वो इंसान खुद के लिए भी नुकसानदेह है, अपनी औलाद के लिए नुकसानदेह है, समाज व मिल्लत के लिए नुकसानदेह। अल्लाह लोगों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। अब अगर ऐसे हालात फितना के पैदा हो जाए, इससे पहले कई बार कई बातें आपके सामने आ चुकी हैं, जब फितना हो तो इंसान को फितनों से किनारा कशी इख्तियार करना इस बात की अलामत होगी कि वह अपने आप को फितना से बचा लिया है, और अगर नहीं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीस सुनिए और बात खत्म होगी। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सतकूनु फितनुल काइद खैरुम मिनल काइम वल काइम फीहा खैरुम मिनल माशी वल माशी फीहा खैरुम मिनल साई। वमन युशरिफ लहा तस्तशरिफुहु वमन वजद मलजा औ मनजा फलयउज बिही औ कमा कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवा इमाम बुखारी मुस्लिम। अनकरीब फितनों का दौर दौरा होगा, उस वक्त में इंसान के फितरे में दाखिल होने की कई कैफियात होंगी, कई दर्जा होंगे। एक इंसान फितनों में दौड़ रहा है, एक इतना इंसान फितना करते हुए चल रहा है, एक इंसान फितनों के सामने खड़ा है, एक इंसान फितनों के सामने बैठा हुआ है। फरमाया फितना देखने के बाद जो इंसान बैठा रहता है ये उस इंसान से बेहतर है जो फितनों के साथ खड़ा है। फितनों के साथ खड़ा रहने वाला उस इंसान से बेहतर है जो फितनों के साथ चल रहा है, और फितनों के साथ चलने वाला इंसान उस इंसान से बेहतर है जो फितनों में दौड़ रहा है। इसके बाद क्या फरमाया, मैं युशरिफ लहा तस्तशरिफ हूं, जो फितने को झांक के देखेगा वो फितना में वाक हो जाएगा। फिर आपने फरमाया मम वजद मलजा औ मनजा औ मुआज़न, जो इंसान फितनों से बचने का रास्ता पाता है या फितनों से पनाह की जगह पाता है, फल यऊज भी ही दो फितनों से बचने की जगह को इख्तियार कर ले।
ये बजाय लगते छोटी सी बात है, लेकिन 1450 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की रहनुमाई की थी। अच्छे खासे लोग भी फितना के अंदर शामिल हो जाते हैं, उस वक्त में शैतान उनके जहन और दिमाग से दीनी शराफत को छीन लेता है, वो भूल जाता है ये हमारा इमाम है, ये हमारा खलीफा है, ये हमारा अमीरुल मोमिनीन है, ये हमारा उस्ताद है। थोड़ी देर के लिए मिसाल अगर समझना चाहें तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने 12 साल खिलाफत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दो बेटियों का शौहर है, डबल डबल दामाद है, मिल्लत पे बहुत बड़ा एहसान उनका है। आज भी अरब में उनके नाम का बैंक अकाउंट चल रहा है, बड़ी खिदमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत की बशारत दी, उनके लिए जन्नत की बशारत दी, यहां तक कहा कि मेरी कई बेटियां होती मरती चली जाती मैं उस्मान तुम्हें देता चला जाता, इनकार नहीं करता। लेकिन उस अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बगावत हुई, बलवाइयों ने महाजारा ही खड़ा किया, नतीजा क्या हुआ, मस्जिद नबी में उनको 40 दिनों के लिए महसूर किया गया, घेर दिया गया, उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले, उनके दाएं बाएं रहने वाले, उनकी तादीम और तकरीम बजा लाने वाले सब अफराद वहां मौजूद हैं। कुछ तो किनारा कशी अख्तियार कर लिए, कुछ फितनों में पड़ गए, ऐसा फितनों में पड़े हजरत उस्मान को शहीद होना पड़ा। खराब लोग थे वो, कभी कभी अच्छे इंसान भी शैतानी फितनों से दो चार हो जाता है। इंसान नमा शैतान जब इंसान के खिलाफ कार्रवाई करता है और बगावत का आलम बुलंद करता है तो इंसान अच्छाई को देखने के बजाय उसकी बुराई पर निगाह रखता है और नतीजे के तौर पर उसकी जड़ काटने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल कर लेता है। अब चाहे तो हजरत उस्मान की मुआफिकीन में शामिल हो जाइए, चाहे हजरत उस्मान के मुखालफीन में शामिल हो जाइए, आपका मामला है। उससे पहले हजरत उमर के साथ लोगों ने बर्ताव किया, पीछे नमाज पढ़ते हैं और छुरी उसी ने भोंका है। हजरत अली के साथ बर्ताव हुआ, तादीम तकरीम बजा लाने का दावा करते हैं, मरवाया उन्हीं लोगों ने। हजरत हुसैन का मामला हो, हजरत हसन का मामला हो, एक अंदाज देख लीजिए, ये सब दीनी फितने हैं। बजाहिर तादीम तकरीम का सेवा अलापा गया, लेकिन उसके साथ साथ जो फितने रूनमा हुए आपने दीन का कितना नुकसान पहुंचाया अंदाजा लगा लीजिए। अगर ऐसे हालात पैदा हो, क्या कहा, अल-क़ाइद फीहा खैर मिन अल-क़ाइम, बैठे रहने वाला बेहतर है इस फितने में खड़े होने वाले से, इस फितने में खड़े होने वाला बेहतर है इस फितने में चलने वाले से, और इस फितने में चलने वाला बेहतर है इस फितने में दौड़ने वाले से। लगाई बुझाई लगी हुई है, हर वक्त उसी सिलसिले में बातें होती है, मिजाज बनाने की नापाक साजिशें होती है, वो इंसान समझता है कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे। याद रखिएगा, आपकी दुनिया भी बर्बाद हो रही है, दीन तो बर्बाद होना ही होना है। इसका अंजाम कितना खतरनाक होगा आपको पता नहीं है, जब खतरा से दो चार होंगे और अल्लाह तबारक तआला की मार पड़ेगी, कुदरती मार से दो चार होंगे तब एहसास होगा, और आप आवेला मचाएंगे फिर वहां कोई सूरत याद नहीं होगी। तो ये फितना है शकूक शुबहात का, कोई बात ली गई और उसके बाद शुबहात पैदा किए गए। इससे पहले कई बार बात आ चुकी है, किसी के घर में झांकना, आप समझने का अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपने बिला इजाजत झांका और अंदर से सलाख लिया, लोहे की सलाख लिया, आपकी आंख फोड़ दिया, मुजरिम घर वाले नहीं जिसने आपकी आंख फोड़ी है, मुजरिम आप हैं कि आप उसके घर में झांक क्यों रहे थे, पूछिए उलमाए किराम से। बहरहाल, तो अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए तो फितने से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। अगर फितनों के अंदर मुब्तला हो गए तो न मस्जिद सलामत रहती है, न मदरसा सलामत रहता है, न कोई इदारा सलामत रहता है, न किसी किस्म की अच्छी जगह सलामत रहती है, हर जगह ही फितना होता है, बेसुकूनी की कैफियत होती है, फिर इंसान खुद भी परेशान रहता है, दूसरों को भी परेशान करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, इन सईद मन जुन्नब मिन अल फितन, 3 बार आपने फरमाया, नेकबख्त वही इंसान है जो फितनों से किनारा कशी इख्तियार करता है, जिनको फितनों से बचा दिया जाता है वही नेकबख्त होता है, और बदबख्त इंसान वो होता है जो फितने के अंदर मुब्तला हो जाता है। क्या फरमाया था, मैं यशरिफ लहा तुस्तशरफ, जो इंसान फितना झांकता है वो फितना में बढ़ ही जाता है। हदीस रसूल की रोशनी में बात याद रखिए,
एक इंसान जानवर को चराता है। अब देखेंगे खेत में दो आदमी के खेत के लिए डिवाइडर होता है जिसको हम लोग आड़ी बोलते हैं, मुड़ेर बोलते हैं। अब अगर आप उस आड़ी पे लेके अपने जानवर को जाएंगे, जानवर कभी इधर मुंह मारता है कभी उधर मुंह मारता है, कितना उसे रोकने की कोशिश करेंगे, कभी उसके खेत से खा लिया कभी उसके खेत से खा लिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर किसी दूसरे इंसान के खेत से न खाए तो आपको उसके मुड़ेर पे जाने की इजाजत ही नहीं है, उसके खेत के करीब जाने की इजाजत ही नहीं है। खेत के करीब जाकर सोचेंगे अपने जानवर को बचाएंगे तो नहीं बचा सकते। उसी तरह अगर फितने की कोई जगह आपको दिखाई देती है, फितने के करीब जहां गए, थोड़ी सी जहां बैठे, पांव जहां फैलाए, मिजाज में जब तुरसी पैदा हुई फिर उसके बाद ख्यालात बनते चले गए और ऐसी चाहकर ऐसे मदद से सुनते हैं कि घंटों घंटे आपको बीत जाते, पता ही नहीं चलता है कि आपके पास वक्त कहां से इतना गया। जो इंसान फितनों को जागता है पड़ ही जाता है। अब अगर फितना में पड़ा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलन तो फितने से बचने की तदबीर सिखलाई कि आदमी खुद उससे दूर रहने की कोशिश करे, क्योंकि फितना रात की तारीकी की तरह छा जाता है, फितना बारिश के कतरात की तरह बरस रहे होते हैं, फितना समंदर की मौज की तरह उभर रहा होता है। मुख्तलिफ किस्म के फितने होते हैं, उन फितनों में इबादत करना ऐसे ही है जैसे कोई इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करके जा रहा हो। तफसील इससे पहले आ चुकी है। आपने फरमाया तहफ्फुज़ु मिनल फितन मा ज़हर मिनहा वमा बतन, मुस्लिम की हदीस में है। ए मेरे सहाबा, फितनों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगा करो, वो फितना जाहिरी हो या फितना बातिनी हो। क्या फरमाया तहफ्फुज़ु मिनल फितन मा ज़हर मिनहा वमा बतन, उन तमाम दर फितनों से अल्लाह की पनाह चाहो, वो फितना चाहे जाहिर हो चाहे पोशीदा। तो सहाबा किराम उसके जवाब में कहते थे नऊज़ बिल्लाह मिनल फितन मा ज़हर मिनहा वमा बतन, और बन जाए सहाबा किराम भी कहा फौरन अमल करना शुरू कर दिया। दुआ कर देते अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिनल फितन, हम फितनों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, मा ज़हर मिनहा वमा बतन, वो फितना चाहे जाहिर हो चाहे पोशीदा हो। तमाम तर फितनों से सहाबा किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन की तो सहाबा किराम ने फौरन अपने आप को फितनों से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तियादा तलब किया और अल्लाह तबारक व तआला से माफी भी मांगी और अल्लाह से बचने की दुआ भी करना शुरू कर दिया। खुद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुआ सिखलाई है जिसे इमाम तिर्मिजी नकल किया है और इस हदीस को अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह ने सही कहा है। फरमाया इदा सल्लैत फकुल, ए नबी जब आप नमाज पढ़ ली तो कहिए अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका खैर इन अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल खैरात व तरकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन, अल्लाह मैं तुझसे खैर का सवाल करता हूं, हर अच्छी चीज की भीख मांगता हूं और बद अखलाकियों से बुरी खसलतों से अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूं। हुब्बल मसाकीन, अल्लाह मैं मिस्कीन की मोहब्बत की तुझसे दुआ मांगता हूं कि अल्लाह मेरे दिल में मिस्कीनों गरीब की मोहब्बत पैदा कर दे। और उसके बाद आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ की इलाही इदा फतनता भी इबाद का फितना हुक्म अकाल, अगर किसी फितने से अपने बंदे को दो चार करना चाहे फाक बिजनी एलई का खैर मफतून, अल्लाह अगर किसी फितने से अपने बंदे को दो चार करना चाहे उस फितने में वाकई होने से पहले पहले हिफाजत के साथ तू मुझे अपने पास बुला ले, फाक बिजनी एलई का गैर मफतून। अल्लाह अगर तू फितने में अपने बंदे को मुब्तला करना चाहता है तो फितनों से मुब्तला और दो चार होने वाले बंदों मुझे शामिल न करना, उससे पहले तो अपने पास उठा लेना। कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ने अपने नबी को दुआ करना सिखलाया और नबी ने अपनी उम्मती को दुआ करने की तलखीन भी की और साथ साथ
एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तालीम भी दी कि पहले अपने आप को फितनों से दूर रखो, फिर उसके साथ साथ फितनों से बचने के लिए उसी तरह की दुआ करो। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में एक रिवायत है हजरत अबू हुरैरा का कौन नकल किया है कि फितनों से बचने के लिए वही दुआ कारगर हो सकती है जिस तरह कोई इंसान डूब रहा है और डूबते हुए शक्ल में अल्लाह से कितने इखलास के साथ दुआ मांगता है। कोई चारा तो नहीं है, कोई बचाने की सूरत तो नहीं है, बचने बचाने कोई तदबीर नहीं है, बट डूब ही रहा है, यकीन करता कि अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता है। मुखलिसीन अल्लाहुद्दीन इखलास के दामन को थामता है और अल्लाह तबारक बताला से खुसूसी दुआ करता है। अगर ऐसी मुखलिसाना दुआ होती है तो अल्लाह तबारक बताला इंसान को फितनों से बचा लेता है। अगर आप चाहते हैं फितनों से बचना तो फितना को पहचानिए भी, उससे किनारा कशी अख्तियार कीजिए भी, उससे बचने बचाने की तदाबीर और असबाब भी तलाश कीजिए, और साथ साथ तमाम तर चीजों के कर लेने के बाद अल्लाह तबारक बताला से अब दुआ भी कीजिए और फितनों से महफूज रहने की सदा भी अल्लाह की बारगाह में बुलंद कीजिए। यकीनन अगर मुखलिस होंगे, इखलास पर जिंदगी आपकी गुजर रही होगी, फितना फसाद से बचना भी चाहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बचा सकता है, लेकिन फितना ही आपने ओढ़ना बिछाना बना लिया है तो फिर उसे कोई सुधार नहीं सकता, जमाने का नबी नहीं सुधार सकता है तो कौम का इमाम और उसके रहबर सरबरा कैसे सुधार सकता है। इसलिए अगर कोई इंसान फितना करता है, फितने मुब्तला होता है, चाहे हुकूमत का फितना हो, अब देख ली इससे पहले बात आ चुकी है कि हुकूमत का फितना आया, मोब लिंचिंग का फितना आया, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने का फितना आया, औरतों को नंगा घुमाने का फितना आया, इस किस्म के सारे फितने हमारे सामने रूनमा हो रहे हैं। हर जगह फितना ही फितना है, आपके घर में फितना है, आपके मोहल्ला में फितना है, आपके इलाके में फितना है, आपके जिला सूबा में फितना है, आपके मुल्क और पूरी दुनिया में फितना है। मुख्तलिफ किस्म के फितनों की शक्लें होती हैं, उन फितनों से बचने के लिए जहां तक उससे किनारा कशी इख्तियार कीजिएगा वह आपके हक में बेहतर है। ये भी फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस जमाने में बेहतरीन माल इंसान की बकरी होगी और नतीजे के तौर पर बकरी को लेगा पानी पीने की जगह पर चला जाएगा या पहाड़ की चोटियों पर चला जाएगा, फितनों से अलग थलग रहेगा। अब अगर फितनों में पड़ना चाहेंगे तो कौन बचा सकता है? अगर बचना है अपने आप को बचा लीजिए, नहीं बचना चाहते हैं तो सुन लीजिए, बजाय ये चीज आपको अच्छी लगेगी लेकिन दुनिया भी सजा से दो चार होंगे और मरने के बाद तो मुसीबत में मुबतला होंगे। अल्लाह हमें भी और आपको भी, अज़मला मुसलमानों को भी हर तरह के फितनों से महफूज रखे, आमीन। इलाही जो बीमार उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा दें, जो मकरूद उन्हें कर्ज़ा अदा करने की सहूलियात फराम कर दें, जो माखूद गिरफ्तार उनके लिए रिहाई के सबब पैदा कर दें। इलाही जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है उन तमाम की जायज़ मुराद को पूरी फरमा दें, उनके मरीजों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा दें। जब तक जिंदा रख किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो इन्हीं दोनों की तरबीज इशात करते हमारा खात्मा हो। अक़ूल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि वलकुम वलिस्सा अल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।